वालेकुम, आप सबको मामाज़ यमी फूड की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की मसालेदार भुजिया। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होता है उसमें आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो आलू धो के काट लिए हैं, इसी शेप में आपने काटना है इसको। ये देख लीजिए, इस तरह से मोटे मोटे आपने आलू को काट लेना है। साथ में हमारे पास है एक बड़ी प्याज जो हमने चॉप कर ली है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसको हमने काट लिया। साथ में हमारे पास दो बड़े टमाटर थे, साथ में चार मिर्चें, हरी मिर्चें जो हमने पहले से ही काट के रखी हुई थी। साथ में गार्निशिंग के लिए हमारे पास है हरा धनिया जो हमने काट के रखा हुआ है, तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर। इसके अलावा हमारे पास है जनाब ये कसूरी मेथी जो आखिर में डाली जाएगी, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो हसबे ज़ायक़ा नमक है। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो सबसे पहले हम बनाएंगे वो है ये चार चीज़ें जो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जो है वो है इसके अंदर काली मिर्च, साथ में ज़ीरा, थोड़ा सा जो है वो साबित धनिया, और साथ में ये है 5 से 6 या 7 तकरीबन साबित मिर्चें। साबित मिर्चों की तादाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम हरी मिर्च भी इसमें यूज़ करेंगे, और जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से आप मिर्चों को आगे पीछे कर सकते हैं जी। तो हमने सबसे पहले फ्राई पैन चढ़ा दिया है। फ्राई पैन को हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे गरम होने दिया। पहले ये गरम हो गया, अब इसके अंदर ये जो चार इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, यानी कि साबित धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और ये जो हमारे पास लाल मिर्चें हैं साबित, ये भी हमने इसके अंदर सारी ऐड कर लेनी है। और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, इसको जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे। जब इसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में जो है वो रोस्ट हो जाएगा जी। तो हमारा ये जो है सारा मसाला ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम पर से उतार लेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है जी। तो अब हमने एक पतीली को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको अच्छा खासा गर्म कर लिया है। जी जनाब, थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने, और अब इसके अंदर जो चीज़ शामिल कर रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। हमने इसके अंदर डालनी है प्याज, और प्याज को हमने करना है गोल्डन ब्राउन। और हमने ये जो चार मसाले थे ये पीस के रख लिए, देखिए इस तरह आपने पीसना है, इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना। ये चारों इंग्रेडिएंट को हमने पहले से जो है पीस लिया और ये हमने आपको शो करा दिया। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को भी पीस के रख लेना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई होती रहेगी जी। तो हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रही है, तकरीबन ये काफ़ी अच्छी खासी जो है ये बल्कि गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पे हमने इसको उतार लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ये आप लोग याद रखिएगा जी। तो अब इसको मैंने निकाल लेना है और इसको ब्लेंडर के अंदर बहुत अच्छा सा फाइन सा एक पेस्ट बना लेना है। तो हमने ये प्याज जो है वो बारीक पेस्ट बना ली है, आप देखिए ब्लेंडर में डाल के बहुत फाइन पेस्ट इसका बन गया है। अब इसमें जो चीज़ें हमें डालनी है वो देख लीजिए। तो ये जो ऑयल हमारे पास है इसके अंदर हम ये आलू शामिल कर लेंगे। इस आलू को हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये भुजिया तैयार होती है, मसालेदार आलू की भुजिया खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाता, ये बिल्कुल इसी अंदाज में बनाई जाती है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, फौरन बन जाने वाली भुजिया है। बस थोड़ा सा इसके अंदर मसाला जो हमने पहले भून लिया था उसको पीसना होगा, चाहे तो हवन दस्ते में पीस लें चाहे तो ब्लेंडर में पीस लें, आपके ऊपर है। ये सारी हमने जो है आलू को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है वो आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो हमारे पास पीसी हुई प्याज है जो हमने पीसी थी, ये हमने पूरी इसमें शामिल कर लेनी है। साथ में ये जो हमारे पास टमाटर थे कटे हुए, 2 टमाटर और 4 मिर्चें, ये भी हमने इसके अंदर डाल देनी है।
इसको अच्छी तरीके से भूनते रहें। जब मसाला पूरे आलू के साथ अच्छे से लग जाए, चिपक जाए, तो अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे आके ये जो चार मसाले पीसे थे ये आपने साइड पे इस तरह से डाल देना है। हमारे पास नमक जो है वो हसबे जायका है जो हम इसमें डालेंगे, आप लोग अपने हिसाब से नमक यूज़ कीजिए। मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है और चूल्हे की आंच को थोड़ा सा आप ज़्यादा कर देंगे। चूल्हे की आंच को ज़्यादा करके इसको एक बॉयल आने तक आपको इसी तरह पकाना है और जैसे ही बॉयल आ जाए फिर आपने इसको ढक के हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकने देना है। मैंने फ्लेम कम कर दी है और अब ये 15 मिनट तक पकेगा। और अब जब हमने ढक्कन उठाया तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये भुजिया तैयार हो चुकी है। अब आप जो है इसको डिश आउट करें। जी तो मैंने अपनी ये रेसिपी आप लोगों के सामने डिश आउट करके दिखा दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। मैंने कसूरी मेथी और हरा धनिया भी शामिल कर दिया था पकने के दौरान। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाइए जब तक आलू गल नहीं जाते। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पका लेना है और फिर इस तरह से डिश आउट करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत कम मसालों में तैयार हो जाती है आलू की। और अपने घर में इसको आज ही ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी में कुछ अच्छा और मज़ीद लेकर आऊँगी आपके सामने। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।